हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे एनिमे सीरीज टोक्यो घोल को। तो चलिए शुरू करते हैं। टोक्यो घोल, जैसा कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इस एनिमे सीरीज की कहानी टोक्यो में बेस्ड है। ये एक सीधे साधे लड़के की कहानी है जिसका नाम है किन। लेकिन इस लड़के की लाइफ तब बदल जाती है जब एक दिन किन रीजे नाम की लड़की के साथ डेट पर जाता है। लेकिन रीजे इंसान नहीं, घोल है। अब घोल्स क्या होते हैं ये आप एनिमे देखकर ही जानना, क्योंकि इस चीज के बारे में आप जितना कम जानोगे उतना ही एनिमे देखने में मजा आएगा। चलो प्लॉट पर आते हैं। तो डेट के बाद रीजे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में किन पर हमला कर देती है और हमले के कारण हमारा हीरो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन तभी वहां एक हादसा हो जाता है और उस हादसे के कारण रीजे मर जाती है। अब यह हादसा कैसे होता है और कौन कराता है, ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। तो हादसे के बाद जब डॉक्टर किन का इलाज कर रहे होते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि रीजे के हमला करने के कारण किन के कई सारे ऑर्गन काम करना बंद कर चुके हैं। इसलिए डॉक्टर ये डिसीजन लेते हैं कि वो रीजे के कुछ ऑर्गन किन में डाल देंगे, जिसके कारण किन आधा इंसान और आधा घोल बन जाता है। अब वो सर्वाइव कैसे करेगा और उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, यही इस एनिमे की कहानी है। और जब भी हम एक एनिमे की बात करते हैं तो इसके बैकग्राउंड स्कोर की बात करना जरूरी हो जाता है, और इसका बैकग्राउंड स्कोर भी जबरदस्त है। इस पूरी सीरीज को जिस तरह से लिखा गया है वो भी लाजवाब है। मतलब अगर आप किसी भी कैरेक्टर को हेट करना चाहोगे तो उसकी बैक स्टोरी सुन के आप उस कैरेक्टर से भी प्यार करने लग जाओगे। इस पूरी सीरीज में हर एक कैरेक्टर को इतने अच्छे से लिखा गया है कि हमें पता होता है कि ये इंसान गलत कर रहा है, लेकिन तब भी हम उस इंसान से नफरत नहीं कर पाते। और शायद तभी इस पूरी सीरीज में हर एक कैरेक्टर को इतना स्क्रीन टाइम दिया गया है। अगर आप एक इमोशनल और दिमाग को हिलाकर रख देने वाली एनिमे सीरीज देखना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरी तरफ से ये सीरीज पूरी तरह से रिकमेंडेड है। इस एनिमे सीरीज के 4 सीजन है और हर सीजन एक से बढ़कर एक है। अगर आपने टोक्यो घोल देख लिया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये एनिमे सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशंस या शिकायत करनी हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।